ये भी कभी कभी आप सोच रहे थे कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है तो पेड़ पौधे लगा लूँ थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा कभी सोचा था आपने? हाँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं संदेश देता हूँ लोगों को कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए, जीवन बचाना चाहिए। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा, देखो अगर पेड़ पौधा हर गाड़ियों पे अगर लग जाए और लगाए आदमी, तो पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा दिल्ली में। इसमें पानी डालते होंगे तो पूरा नीचे फैल जाता होगा? नहीं, कहीं नहीं फैलता ये सर, अगर पानी ओवर हो जाता है तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ। प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं महेंद्र जी? मैं बिहार के रहने वाला हूँ, बेगूसराय जिला का हूँ। ये दोस्तों बिहार के लाल ने कर दिया है कमाल, एक दोस्त हो रहे हैं। आपको कैसा लगा ये ऑटो देख करके? आप बड़ा फोटो वोटो ले रहे थे। बहुत अच्छा लगा सर। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं पढ़ाई करता हूँ। तो ये ऑटो कैसा लगा? इनका एक अलग ही अंदाज है, न्यू क्रिएटिविटी है, मतलब सही है, एनवायरनमेंट लेके मतलब अच्छा है, पर्यावरण। तो दोस्तों हमने न्यूज में देखा था लेकिन आज हम बिल्कुल पास से देख पा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के सबसे ज्यादा वीडियो हमने बनाए। आज हमें एक वो अंकल जी मिल चुके हैं जिनको आपने पहले दूसरे चैनलों में न्यूज में देखा होगा, सुना होगा, और आपने इंडिया गेट के आसपास ये वाला ऑटो जरूर देखा होगा जिसके बारे में बहुत जोर शोर से चर्चा है कि इन्होंने अपने ऑटो के ऊपर घास उगा रखी है। और इसके अलावा और भी पेड़ हैं, गन्ना वगैरह हैं और पता नहीं क्या क्या है, इनसे ही पूछते हैं गन्ना है या फिर कुछ और है। सबसे पहले तो अंकल जी बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बेगूसराय जिला का। अच्छा, आपको पहले कई न्यूज में मैं देख चुका हूँ, आज पास से रूबरू हो रहा हूँ। आप मुखर्जी नगर कैसे आए, आप कैसे घूमना हुआ है? मेरा मुखर्जी नगर तो घर ही है मेरा, ये गोपी नगर में आपका? हाँ, गोपालपुर गांव, ये गोपालपुर गांव देखिए उधर एड्रेस लिखा हुआ, गोपालपुर गांव। अच्छा, गोपालपुर गांव, गोपालपुर तो ये पड़ोस में ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आइडिया कहाँ से आया? वैसे तो बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने आपसे पूछा है, मैं भी पूछूंगा कि ये घास वास क्यों आपने अपने ऑटो पर लगा दी? देखिए ये मैं गर्मियों के वजह से लगाया था, वैसे गर्मियों में ये तपना शुरू होता था तो बहुत गर्मी लगती थी, मैंने सोचा चलो इसके ऊपर पेड़ पौधा लगाते हैं। तो जब से मैं 2-2.5 साल से इस पर पेड़ पौधा लगा के ही रखते हैं, इस पर कंटिन्यू लगा रहता है। एक गाड़ी एकदम एसी की तरह लगेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे कि गाड़ी कोई एसी में बैठे हुए। कितने 2.5-3 साल हो गया इसको लगाए हुए? हाँ, 2-2.5 साल हो गया। तो सर्दियों में इसे हटाते हैं या फिर लगा के? परमानेंट लगा ही रहता है, सिर्फ 2 टाइम का पानी डालना पड़ता है, सुबह और शाम पानी डालते हैं। और इसमें पानी डालते होंगे तो पूरा नीचे फैल जाता होगा? नहीं, कहीं नहीं फैलता ये सर, अगर पानी ओवर हो जाता है तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, आगे कुछ और इस पे उगाने का आइडिया है या फिर ये ही लगाएंगे या फिर गन्ने बनने और कुछ आम वाम के पेड़? ये मैं सीजन बाई सीजन बहुत कुछ लगाता हूँ, फल भी लगाता हूँ, अभी फल का भी है, आम है, कुछ घिया भी है, तोरी है, बैंगन है, केले का पेड़ भी है इसमें, और कुछ फल ऐसे भी हैं जो हम घर में यूज भी करते हैं, जैसे पालक हो गया, ये सब पालक है जो हमने दाल वगैरह में डाल के खाते भी हैं घर में। अच्छा, इसमें से ही काट लेते हैं जरूरत पड़ती है तो? नहीं, फलता है इसमें से, फलता फलते फरने के बाद उसको हम तोड़ के अपने खाते भी हैं, घर में खिलाते बच्चे बच्चे भी। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है इसके ऊपर और क्या क्या लगाएंगे? देखिए पौधा तो इसमें 500 तरह के लगा हुआ है, और कोई भी पौधा लगा सकते हैं इसके ऊपर, सभी पौधा इसमें लग जाएगा। अच्छा, लाखों लोगों ने आपको देखा है न्यूज़ चैनलों पे, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे, उनका क्या कहना चाहेंगे, बड़ा पसंद कर रहे हैं आपका ये आइडिया, क्योंकि दिल्ली में एक इकलौता ऐसा आइडिया है जिसने घास लगा रखी है? देखिए चैनल में भी आ रहा, पेपर में भी आ रहा, बाहर देशों में भी जा रहा है हमारे प्रचार की। अभी कुछ लोग जर्मनी से आ गए थे हमारे यहाँ, तो कुछ लोग बम्बे से भी आए थे, कुछ चंडीगढ़ से आ गए थे, तो ये हम नहीं कह सकते, हमारा नंबर वायरल हो चुका है नंबर, वो कहाँ कहाँ से अपने मीडिया वाले हो गए और भी पब्लिक जिसको चाहिए वो आ जाते हैं हमारे। अच्छा, पास एक बार अपने नंबर और बता दीजिए अगर कोई बात वगैरह करना चाहता हो। देखिए मेरा नंबर है 95-60-63-52-86। महेंद्र कुमार। प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं महेंद्र जी? मैं बिहार के रहने वाला हूँ, बेगूसराय जिला का हूँ। ये दोस्तों बिहार के लाल ने कर दिया है कमाल, एक दोस्त हो रहे हैं। आपको कैसा लगा ये ऑटो देख करके? आप बड़ा फोटो वोटो ले रहे थे। बहुत अच्छा लगा सर। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं पढ़ाई करता हूँ। तो ये ऑटो कैसा लगा? इनका एक अलग ही अंदाज है, न्यू क्रिएटिविटी है, मतलब सही है, एनवायरनमेंट लेके मतलब अच्छा है, पर्यावरण। दोस्तों हमने न्यूज में देखा था लेकिन आज हम बिल्कुल पास से देख पा रहे हैं, एक दोस्त इसमें अंदर ही बैठे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कैसा लग रहा है इसमें बैठ के? अच्छा जी। कहाँ जा रहे हैं बैठ के इसमें आप? बस यहीं जीटीपी नगर। आप ही आए थे क्या इसमें बैठ के? नहीं नहीं, यहाँ से बैठा हूँ, पता नहीं जाएंगे कितने। ये बताइए सर, आप जो है ना किराया बराबर ही लेते हैं बाकी ऑटो से या फिर ज्यादा भी लेते हैं? आपने घास पास लगा रखा है? किराया होता, मैं ईमानदारी का ही काम करता हूँ, मैं किसी से कोई 1 रुपये फालतू नहीं लेता हूँ, लेकिन
सवारी मेरे को ये है कि खुश होकर के पेड़ पौधे देख के 10-20 रुपए फालतू दे के जाते मेरे को। ये भी कभी कभी आप सोच रहे थे कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है तो पेड़ पौधे लगा लूँ थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा कभी सोचा था आपने? हाँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं संदेश देता हूँ लोगों को कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए, जीवन बचाना चाहिए। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा, देखो अगर पेड़ पौधा हर गाड़ियों पे अगर लग जाए और लगाए आदमी, तो पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दिल्ली का। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम अभी मुखर्जी नगर में ही मौजूद थे, आप देखेंगे इनके गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हैं। इससे पहले आपने, हाँ जी थैंक यू सो मच, इससे पहले आपने इनको कई न्यूज़ चैनल में देखा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।